नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गुंजन, जहां आप खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहते हैं। इसी क्रम में बता दें कि लॉकडाउन लगने से सर्कस में काम करने वाले एक परिवार को रोजगार छीन जाने से पूरा परिवार भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। सर्कस में करतब दिखाने वाले यह परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जो पिछले 6 वर्षों से खूंटी में किराए के मकान पर रह रहे हैं और सर्कस में करतब दिखाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। वहीं लॉकडाउन लग जाने से इनका रोजगार छिन गया, जिसके बाद ये लोग भूखों मरने के कगार पर है। साथ ही सर्कस में करतब दिखाने वाली महिला जो हार्ट की बीमारी से ग्रसित है और उन्हें इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। साथ ही रोग पीड़ित महिला ने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आमजनों से इलाज कराने हेतु मदद मांगी है। वहीं अगली खबर सैको से है, जहां सैको में किसान सभा ने शहीद अब्राहम मुंडू का 5वां शहादत दिवस मनाया। झारखंड राज्य किसान सभा द्वारा सैको में शहीद अब्राहम मुंडू की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान झारखंड राज्य किसान सभा के सदस्यों के अलावे काफ़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं अगली खबरों में बता दें कि अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में गुरुवार की देर शाम तोरपा रोड में कई दुकानों में गैस सिलेंडर के कालाबाजारी को लेकर छापेमारी की गई। इस दौरान कई वाहन को जब्त करते हुए 308 सिलेंडर भी जब्त किया गया, साथ ही 6 दुकानों को सील किया गया। इस विषय पर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि उपायुक्त महोदय को इस विषय पर विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने कार्यवाही करते हुए सिलेंडर और वाहन को जब्त कर कुल 6 दुकानों को भी सील किया है। यह कार्यवाही आगामी त्योहारों को देखते हुए किया गया, ताकि त्योहार में किसी भी घर में रसोई गैस का कमी नहीं हो। वहीं अगली बड़ी खबरों में बताते चले कि खूंटी में विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दो पहिया वाहन चलाने वाले द्वारा हेलमेट नहीं पहनने और वाहनों के सही कागजात नहीं पाए जाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए फाइन भी किया गया। वहीं अगली बड़ी खबरों में बता दें कि ई श्रम जागरूकता वाहन को उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने हेतु रवाना किया। इस वाहन द्वारा खूंटी जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो ई श्रम से जुड़े और उन्हें ई श्रम में जुड़ने के फायदे भी बताए जाएंगे। खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।